हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का बैंकिंग का यूनिट 1 कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्लास 12 में जितना भी सब्जेक्ट है उसमें स्टार्टिंग में 8 मार्क्स तक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए हर सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बैंकिंग का जितना भी चैप्टर्स है सबका एक अलग अलग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ये हम लोग का पहला यूनिट का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। भारत का और वर्ल्ड का पहला बैंक कौन सा हुआ? भारत का पहला बैंक हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में बना था, ठीक है। और वर्ल्ड का पहला बैंक हो गया बैंक ऑफ मोंटे डी पासी डी सियाना, ठीक है। अजीब सा नाम है, ये बना था 1397 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, मेंशन द नेम ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक। अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, बैंक अंग्रेज जो होते थे अपना जो भी बिजनेस था उसमें बैंकिंग सर्विसेज के लिए एजेंसी हाउसेस को यूज़ करते थे, और एजेंसी हाउसेस जब फेल हो गया तो उन लोगों ने प्रेसिडेंसी बैंक बनाया, ठीक है। इन सब बैंक का मेन काम होता था नोट इशू करना, और जो अंग्रेज होते हैं खासतौर पर उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बना था, ठीक है। पहला हो गया बैंक ऑफ कोलकाता, जो 1806 में बना था, लेकिन उसके बाद 1809 में उसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। यहाँ पर डेट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है, आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जैसे बैंक ऑफ बंगाल ईयर मारेंगे तो आपको 1809 दिखाएगा, लेकिन 1809 नहीं लिखना है, करेक्ट ईयर है 1806, ठीक है। 1809 में क्या होता, सिर्फ नेम चेंज हुआ था, ठीक है। दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा हो गया बैंक ऑफ मद्रास। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ट, व्हेन इंपीरियल बैंक बिकम्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। पहले अंग्रेज क्या करते थे, एजेंसी हाउसेस यूज करते थे, उसके बाद उन लोगों ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन तीनों बैंक को मर्ज किया गया 1920 में, मतलब 1920 में सबको मर्ज किया गया। मर्ज करने के लिए एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1920 में एक्ट पास हुआ, और 1921 में क्या किया गया, इंपीरियल तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बैंक को नोट इशू का राइट दिया गया, और साथ ही अलग अलग जगह में ब्रांचेस खोलने का परमिशन दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, कैसे बना। जैसा अभी हम बताए थे, जस्ट 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज किया गया, उसके बाद एक बैंक बना जिसको हम क्या बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आज का जो नया नाम है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द प्रीवियस नेम एसबीआई वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज किया गया, उसके बाद 1921 में इंपीरियल बैंक बना, और 1955 में इंपीरियल बैंक को रीनेम किया गया और उसका नाम रखा गया एसबीआई, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज, कौन से ईयर में इंपीरियल बैंक नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। नेशनलाइज का मतलब, जैसे इंपीरियल बैंक बना था 1921 में, मतलब अंग्रेजों के टाइम में, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब पहले ये प्राइवेट बैंक की तरह काम करता था, ठीक है, कंपनी की तरह काम करता था, लेकिन 1955 से क्या किया उसको नेशनलाइज, इसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, ठीक है। अब ये जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया 1955 से, ठीक है। और SBI जो है आज का डेट में लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, हम लोग कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी एसोसिएट बैंक सब्सिडरीज ऑफ SBI आर देयर, ठीक है। एसोसिएट बैंक को हम लोग सब्सिडरीज भी बोलते हैं, सब्सिडरी बैंक का मतलब वो बैंक हुआ जिसका मेजोरिटी शेयर या कंट्रोल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में, ठीक है। टोटल 8 सब्सिडरी बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके बाद क्या हुआ, 2 बैंक मर्ज हो गए तो बचा कितना, 6, ठीक है। इन 1959 द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट वाज पास्ड इनेबलिंग द स्टेट बैंक टू टेक ओवर 8 फॉर्मर स्टेट एसोसिएटेड बैंक एज इट सब्सिडरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था, पूरा इंडिया का बैंक हो गया, ठीक है। और कुछ स्टेट का अलग अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना के रखे थे। तो 1959 में क्या हुआ, एक्ट पास हुआ, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल का था उसको राइट दिया गया कि जितना भी स्टेट लेवल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन सबको वो कंट्रोल कर ले, अपने अंदर में ले ले, ठीक है। तो ऐसा टोटल 8 एसोसिएटेड बैंक थे, ठीक है।
उसमें से दो बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर मर्ज इनटू वन इन 1963, दो बैंक मिलकर एक हो गए। एंड इन जुलाई 2008 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र वाज मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र फुली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया। तो मिला जुला के टोटल 6 सब्सिडरी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है पहला स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड? 1949। ठीक है, क्योंकि बैंक आज़ादी के पहले बैंक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते थे, उनके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास हुआ 1949 में, जिसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक? नेशनलाइजेशन का सीधा सा मतलब हुआ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर लेके आना, वही हम लोग का नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड शेयर होल्डर टू पब्लिक अथॉरिटीज, प्राइवेट पार्टी से कंट्रोल पब्लिक पार्टी या गवर्नमेंट के हाथ में देना, वही नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, पहले जितने भी बैंक थे सब प्राइवेट बैंक की तरह काम करते थे, लेकिन 1969 में क्या हुआ, बहुत सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन विच ईयर 14 इंडियन कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड? हाउ मेनी कमर्शियल बैंक आर नेशनलाइज एट प्रेजेंट? ऑन 19 जुलाई 1969, ये डेट याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 14 कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड, ठीक है, 1969 में टोटल 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद अगेन इन 1986 मोर बैंक वेयर नेशनलाइज, तो 14 पहले हुआ था, बाद में 6 मिला जुला कर तो 20 हो गया। ठीक है, इन सितंबर 93 द न्यू बैंक वॉज मर्ज विथ पंजाब नेशनल बैंक। 93 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ न्यू बैंक का मर्जर हो गया, मर्ज का मतलब मिल जाना, तो न्यू बैंक पूरी तरह से पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया, मतलब न्यू बैंक खत्म, उसका सारा प्रॉपर्टी सारा बिजनेस पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, मिला जुला कितने बचते हम लोग का, एट प्रेजेंट 19 नेशनलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब ऐसा बैंक जिसका ओनरशिप कंट्रोल मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो मिला जुला के यहाँ पर टोटल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, द बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक। ठीक है, अब 27 हुआ कैसे, 19 तो नेशनलाइज बैंक हुआ प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20 हुआ, उसका 6 सब्सिडरी बैंक 26 हुआ, और एक होता है रीजनल रूरल बैंक जिसको शॉर्ट में RRB बोलते हैं। टोटल मिला जुला के 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ। ठीक है, हाउ मनी प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? हम लोग कंट्री में कितना प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसका कुछ एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट हम लोग का देश में 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एज पर RBI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके हिसाब से 21 बैंक हम लोग का प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब ऐसा बैंक जिसका कंट्रोल ओनरशिप मैनेजमेंट सब प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ICICI बैंक लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ बेसिक डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर बैंक में कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, इसके लिए सारा रूल्स एंड रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है, और इसका रूल्स एंड रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बनाता, ये कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा प्राइवेट कंपनी हो गए। नेक्स्ट हो गया, व्हाट आर फॉरेन बैंक्स? फॉरेन बैंक्स का मतलब द बैंक विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर द लॉ ऑफ होम कंट्री, मतलब इंडिया के बाहर जो बैंक रजिस्टर्ड हुआ है बट हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन आवर कंट्री, हम लोग कंट्री में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, उस तरह बैंक को क्या बोलेंगे, फॉरेन बैंक। ठीक है, तो एट प्रेजेंट 45 फॉरेन बैंक्स हम लोग का कंट्री में है। ठीक है, फॉरेन बैंक का कुछ एग्जाम्पल, बैंक ऑफ टोक्यो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, स्विस बैंक। ठीक है, ऐसे स्विस बैंक का ऑफिस तो हम लोग यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोगों का अकाउंट स्विस बैंक में जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच शेड्यूल ऑफ RBI द शेड्यूल्ड बैंक इज लिस्टेड? ठीक है, जितना भी शेड्यूल बैंक है वो RBI का सेकेंड शेड्यूल के अंदर में आते हैं। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल जो है खास तौर पर शेड्यूल्ड बैंक के लिए बनाया गया। अब शेड्यूल्ड बैंक क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड बैंक?
सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक रिफर्स टू दोज बैंक इंस्टीट्यूशन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड सेटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेकेंड सेटल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आने के लिए कुछ कंडीशन होता है, उन लोगों का मिनिमम शेयर होल्डर फंड 5 लाख होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, एक्ट ऑफ बैंक मस्ट नॉट बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर, ऐसा कुछ भी काम उन लोग नहीं करेंगे जो डिपोजिटर जो पैसा बैंक में जमा करा उसका इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ठीक है, द बैंक मस्ट बी ए कॉरपोरेशन और कॉपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो भी बैंक है उसको या तो कॉरपोरेशन होना पड़ेगा, मतलब कंपनी फॉर्म में होना पड़ेगा, या कॉपरेटिव सोसाइटी होना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ए पार्टनरशिप फॉर्म अ सोल्टेड, पार्टनरशिप बिजनेस कर स्टार्ट किया उसको बैंक में कन्वर्ट किया नहीं होना पड़ेगा, और सोल्टेड बिजनेस नहीं होना पड़ेगा। ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ही रिजर्व बैंक का सेकेंड सेटल के अंदर बैंक आते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसका मेन तीन फायदा। ठीक है, कवर्ड अंडर DICG स्कीम, DICG स्कीम का मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम, मतलब यहाँ पे जो भी पैसा जमा करेंगे हम लोग वो सिक्योर्ड होता है, उसका डूबने का चांसेस लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, सिक्योर्ड होता है, एंड ऑल फैसिलिटीज ऑफ RBI, RBI का सारा फैसिलिटीज सेंट्रल बैंक को मिलता है। ठीक है, फैसिलिटीज का मतलब अगर किसी बैंक को पैसा का जरूरत हुआ तो RBI से जाके वो लोन ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू मीन बाय नॉन सेटल्ड बैंक, सीधा सा बात है, जो RBI का सेकेंड सेटल के अंदर नहीं आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सेटल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन सेटल्ड बैंक, ये जो हम लोग ऊपर कंडीशन डिस्कस किए ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग देश में बहुत ही कम नॉन सेटल्ड बैंक है, RBI इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल नॉन सेटल्ड बैंक का, ठीक है, देयर आर 5 नॉन सेटल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, अर्बन मतलब जो टाउन एरिया में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, अखंड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, अलावी कोऑपरेटिव बैंक, अमरनाथ कोऑपरेटिव बैंक, अमोद नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो रूरल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हो गया कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सबदर लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद इन विच लीड या लीड बैंकिंग स्कीम इंट्रोड्यूस, लीड बैंकिंग स्कीम हम लोग का 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब बैंक सबका नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता था, एक बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था जहाँ पर बैंकिंग, जिस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का बैंकिंग सर्विसेज नहीं है या जिस गांव में बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पे बैंकिंग सर्विसेज को प्रमोट करना। ठीक है, वो है लीड बैंकिंग स्कीम। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए बैंक, बैंक इसको बोलेंगे, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक्स द बैंकिंग एक्टिविटी, जो बैंकिंग एक्टिविटी करता है वही बैंक हो गया। ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटी है क्या, मतलब बैंक का फंक्शन है क्या, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट लेना एंड देन लेंड्स द सेम टू अर्न सर्टेन प्रॉफिट, डिपॉजिट लेना और उसको लेंड कर्ज दे देना, यही हम लोग का बैंकिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है, और बैंक का फीचर्स क्या है, ए बैंक इज ए प्रॉफिट सीकिंग कमर्शियल एंटरप्राइज, बैंकिंग सर्विसेज पैसा कमाने के लिए होता है, इट डील्स इन मनी मतलब पैसा लेगा, पैसा देगा, इट डील्स विथ क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है, द डिपॉजिट मेड विथ द बैंक आर रिपेएबल ऑन डिमांड, जो भी पैसा हम लोग बैंक में जमा करेंगे रिपेएबल ऑन डिमांड, डिमांड ऑन डिमांड का मतलब जब चाहे तब हम पैसा निकाल सकते हैं, आजकल तो ATM का फैसिलिटी है 24 आवर्स एक्टिव रहता है, वो जब चाहे तब वहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर पंजाब नेशनल बैंक वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, 1894 में बैंक पंजाब नेशनल बैंक लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज ब्रांच बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग का मतलब, ब्रांच बैंकिंग इज ए सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर ए रिलेटिवली बिग कमर्शियल बैंक अंडरटेक्स बैंकिंग एक्टिविटीज विद नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, मतलब कोई एक बड़ा बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है, वो हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है, ब्रांचेस के हेल्प से, इस तरह का सिस्टम को हम लोग ब्रांच बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है डीलीगलाइज्ड बैंकिंग, मतलब ये लोकल बैंकिंग नहीं, एक पार्टिकुलर एरिया में ऑपरेट नहीं करता है, वो हर जगह लगभग हर जगह ऑपरेट करता है। ठीक है, इसको हम लोग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ब्रांच बैंकिंग, और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज यूनिट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग जो होता है ब्रांच बैंकिंग का बिल्कुल उल्टा होता है, यूनिट बैंकिंग एक पार्टिकुलर एरिया का बैंक होता है। ठीक है,
यूनिट बैंकिंग इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर एन इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड बैंक अंडरटेक्स बैंकिंग एक फंक्शन इन ए पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में ही वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका एक सिंगल ऑफिस होता है और एक पार्टिकुलर एरिया में ही वो सर्विस देगा, ठीक है। तो इस तरह का बैंकिंग ज़्यादा पॉपुलर है नहीं हम लोग का कंट्री में, सब आजकल नहीं चलता है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ हुआ था, यूएसए में। जितने भी अलग अलग टाइप के बैंक स्कीम होते सब यूएसए से ही स्टार्ट होते हैं, वहीं पर बंद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रुप एंड चेन बैंकिंग, ठीक है। ये भी हम लोग का दोनों सिस्टम यूएसए से ही स्टार्ट हुआ था। इन ग्रुप बैंकिंग सिस्टम टू और मोर बैंक्स इन ए ग्रुप आर कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ग्रुप बैंकिंग सिस्टम क्या है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और एक पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है। दो बैंक का एग्जाम्पल लेते, दोनों बैंक को एक अदर बैंक ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो इस तरह का बैंकिंग सर्विसेज को हम लोग ग्रुप बैंकिंग बोलते हैं। जैसे कि पिछला हम कुछ क्वेश्चन में बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल 6 एसोसिएटेड बैंक है, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, बाद बाकी 6 बैंक को कंट्रोल कर लिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रुप बैंकिंग के अंदर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेन बैंकिंग सिस्टम। चेन बैंकिंग सिस्टम मतलब व्हेन बैंक्स आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कुछ बैंक हो गया उसको कोई दूसरा बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा है या कोई दूसरा कंपनी कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसको कुछ इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सपोज एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इसका अगर मेजोरिटी शेयर मुकेश अंबानी के पास आ जाता है, मतलब इन दोनों बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा है, मुकेश अंबानी जो कि एक इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो इस तरह का बैंकिंग सिस्टम को हम लोग चेन बैंकिंग सिस्टम बोलेंगे। दोनों का दोनों कब बना था हम लोग का, कहाँ बना था, यूएसए में, कब, 1929 में, ठीक है। तो ये तो हो गया यूनिट वन का इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इस यूनिट का हम एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बना कर रखें जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया, आप लोग वहाँ उस टेस्ट में अपीयर हुई है, जिससे वीडियो आप लोग कितना समझ में आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे और भी चैप्टर्स के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।